नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत में सिख आंदोलन के बारे में। चलिए, टीचर डे है, टीचर शिक्षक दिवस का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग देखेंगे सिख आंदोलन। इससे पहले हम लोग ने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया आधुनिक भारत में, ये रिविजन मोड में है। कौन कौन सा वीडियो हम लोग ने कम्प्लीट कर लिया है तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा वीडियो था वो था यूरोपिया कंपनी का आगमन भारत में, और दूसरा था जो हमारा उत्तरकालीन मुगल वंश, जिसमें औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आते हैं उसका क्या शासन व्यवस्था था, कैसे कैसे मुगल वंश का पतन होता है, फिर अंग्रेज उस पर अपना अधिकार कर लेता है उसके उसके क्षेत्र पे। और फिर जो हमारा तीसरा वीडियो था वो था आपका मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य हम लोग देख लिए थे, शिवाजी वगैरह देखे थे, फिर पेशवा बाजीराव, ये सारा चीज़ हम लोग ने उसमें देखे थे। अगर आप लोग उसे नहीं देखे तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग देखेंगे सिख आंदोलन में, इसमें हम लोग देखेंगे क्या सिख के दसों गुरु के बारे में, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन रहेगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड ही है। आप लिमिटेड पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें तो वो क्या होगा, एग्जाम में आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा। तो चलिए, अगर हम शुरू करते हैं सिख आंदोलन। तो देखिए, सिख का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, शिष्य होता है। हम लोग क्या पहले थ्योरी देखेंगे, जैसा कि हम लोग हर एक वीडियो में देख रहे हैं, अभी जो डिवीजन मोड हमारा है तो इसमें हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन करके, फिर इसका जो क्वेश्चन होगा जो भी हो 40-50 जो जितना भी हो, फिर उसे हम लोग लास्ट में इसे देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सिख का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो शिष्य होता है, और इसका साहित्यिक अर्थ, और इसका साहित्यिक अर्थ क्या होता है, साहित्यिक जो अर्थ होता है सीखने वाला होता है। और इस आंदोलन के जनक होते हैं गुरु नानक देव, जो सिख के प्रथम गुरु भी हैं सिख धर्म के। इस आंदोलन में 10 सिख गुरु हैं, तो इस आंदोलन में सिख आंदोलन में 10 सिख गुरु होंगे। बंदा बहादुर और रणजीत सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, उसी क्रम में बंदा बहादुर और रणजीत सिंह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप धार्मिक था, लेकिन आगे चलकर इसका जो स्वरूप है वो राजनीतिक हो गया, जिसका संक्षिप्त में वर्णन दिया गया। तो चलिए, जो पहले जो था क्या सिख आंदोलन क्या देखा जाए तो पहले धार्मिक था, फिर धीरे धीरे वो क्या किस में बदल जाता है, फिर वो राजनीतिक रूप में बदल जाता है। और चलिए, आज चश्मा लगाएं क्योंकि आई फ्लू हो गया है, कोई स्टाइल से नहीं लगाए हुए ये ग्लास को। चलिए, तो आई फ्लू अभी चला हुआ काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, इस वजह से आई फ्लू, क्योंकि जो लाइट जो पड़ता है ना आँख पे वो काफ़ी क्या एक तरह चुभन होता है, पानी वगैरह भी लगातार गिर रहा है, क्योंकि कल ही हुआ है, इसको 1-2 दिन लगेगा ठीक होने में, लेकिन आज वीडियो शूट करना था किसी तरह, तो हमने चलो कोई इसका अल्टरनेट निकाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग 10 गुरु के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो चलिए, याद रखिएगा एक एक करके हर एक गुरु को, कभी कभी पूछ देगा ये कौन सा गुरु कौन से क्रम का है। तो देखिए, प्रथम गुरु हैं गुरु नानक देव, दूसरा हो गए गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास चौथे गुरु, पांचवा गुरु होंगे गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु होंगे गुरु हरगोविंद, सातवा गुरु हो जाएंगे गुरु हर राय, आठवा गुरु हो जाएगा गुरु हरकिशन, नौवें गुरु हो जाएंगे गुरु तेग बहादुर, और दसवें गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ, पटना साहिब, पटना सिटी में उनका जन्म हुआ था 1666 में। चलिए आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह हो गए 10वें गुरु, तो हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे गुरु नानक देव को। गुरु नानक देव 1469 से लेकर 1539, हालांकि अब डेट इसका इसमें मत याद रखिए, प्रथम गुरु कौन है एक रेफरेंस देखा जाता है एक आइडिया लेने के लिए, थोड़ा सा 1469-70 के आसपास के बीच से इनका होता है जन्म, ये चलते कब 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 से कब, और देखिए 1539 तक। गुरु नानक देव यह सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इन्होंने सिख आंदोलन को भी शुरू किया था। तो गुरु नानक ही हैं जिन्होंने सिख आंदोलन को शुरू किए थे, और यह सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, और इनका जन्म होता है 1469 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में तलवंडी के पास, और उस स्थान को क्या कहा जाता है, अभी वर्तमान समय में उसे कहा जाता है नानकाना साहिब कहा जाता है, जो तलवंडी का जो जहाँ उनका जन्म हुआ था किस नाम से प्रसिद्ध है, तलवंडी का जो वर्तमान
में नाम है उसका है क्या, नानकाना साहिब। तो चलिए इनका पिता का नाम, तो इनके जो प्रथम गुरु हैं सिख के गुरु नानक देव, इनका पिता का नाम है कालू चंद मेहता, माँ का नाम तृप्ता, बहन का नाम नानकी। आगे देखेंगे, और पत्नी का नाम, तो पत्नी का नाम है गुरु नानक जी का क्या, एक मिनट तू हट जा यार। तो देखिए जो पत्नी का नाम है, सुलक्षणी, पत्नी का क्या नाम है, सुलक्षणी। किनका, गुरु नानक देव की पत्नी का नाम है सुलक्षणी, और पुत्र का नाम श्रीचंद। ये भी याद रखे, कहीं पूछ दे गुरु नानक प्रथम गुरु हैं, इस लिहाजे से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुरु नानक के जो पुत्र हैं उनका क्या नाम था, श्री चंद। चलिए, सुल्तानपुर में बई नदी के किनारे 1499 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। तो सुल्तानपुर में बई नदी के किनारे 1499 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। तो जितने भी महान पुरुष हैं उन सबको कहीं ना कहीं क्या नदी किनारे उनका क्या ज्ञान प्राप्त उनको हो रहा है। जैसे अब देखेंगे इनका जो फल्गु नदी किनारे किनका हुआ है, गौतम बुद्ध का हुआ है, ऋजुपल्लिका नदी किनारे महावीर का हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति और नदी का कुछ ना कुछ जरूर संबंध होगा। तो देख रहे जितना भी गुरु महान गुरु जो भी हुए हैं वो उनका क्या नदी किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसी के साथ सिख धर्म का उदय भी हुआ, और इनका जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हुआ तो क्या अपने वो प्रचार प्रसार करेंगे, क्या सिख धर्म का उदय भी हुआ। इन्होंने अपने मतों का प्रचार प्रसार संगीत के माध्यम से शुरू किया, तो संगीत के माध्यम से शुरू किया, जिसमें इनका जो प्रिय शिष्य था मर्दाना रबाब, इसमें प्रिय शिष्य मर्दाना रबाब नामक वाद्य यंत्र बजाकर इनका साथ देता था। तो एक यंत्र है जिसका नाम है मर्दाना रबाब नामक वाद्य यंत्र, उसे बजाकर इनका साथ दिया करता था इनके शिष्य। इन्होंने सत्य नाम की पूजा की प्रथा को शुरू किया, सत्य नाम श्री वाहिगुरु, तो सत्य नाम की पूजा की प्रथा को भी शुरू किया। किन्होंने किया, गुरु नानक देव ने किया। और इन्होंने संगत और पंगत, अर्थात संगत मतलब हो गया क्या, ये देखिए संगत हो गया आपका धर्मशाला, और पंगत हो गया लंगर व्यवस्था की प्रथा भी शुरू किया। किन्होंने, गुरु नानक देव ने, सिख के प्रथम गुरु। संगत और पंगत अर्थात धर्मशाला और लंगर व्यवस्था शुरू किया। और गुरु नानक देव, गुरु नानक देव कबीर दास के समान मानवतावादी कवि भी थे। तो कबीर दास कैसे हैं, कैसे देखा जाए तो वो कैसे गुरु है या जो भी रहे अपने जमाने के तो वो रहे मानवतावादी। उन्होंने मानवतावादी पे ज्यादा जोर दिया, ना कि लौकिक परलौकिक पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए। तो गुरु जो नानक है वो भी कबीर दास की भांति क्या मानवतावादी को काफी जोर दिया। उन्होंने जात पात छुआछूत ऊंच नीच और अंधविश्वास का विरोध किया, जिस प्रकार कबीरदास भी किया करते थे। उनके बहुत सारे ऐसे दोहे वगैरह में वो कटाक्ष करते हैं अंधविश्वास को लेकर, छुआछूत ऊंच नीच। तो चलिए 1539 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। तो गुरु नानक जी का जो मृत्यु हो जाता है कहाँ पे, ये करतारपुर में, कब, 1539 में इनकी मृत्यु हो गई। तब इनके प्रिय शिष्य जो है उनका नाम है लहना सिंह, गुरु अंगद के नाम से गुरु के पद पे आसीन हुए। तो जो लहना सिंह है उनके जो शिष्य हैं गुरु नानक के, अब वो गुरु अंगद के नाम से जो दूसरा गुरु बनेंगे, सिख धर्म के दूसरा गुरु बनेंगे, गुरु अंगद लहना सिंह बनेंगे गुरु अंगद के नाम से। चलिए, गुरु अंगद 1539 लेके 1552 यह सिखों के दूसरे गुरु थे जिनके बचपन का नाम क्या था, लहना सिंह। याद रखिएगा, सिख के जो दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद, उनका बचपन का नाम क्या है, लहना सिंह है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया था। तो जो गुरुमुखी लिपि है, पंजाबी भाषा जो लिखा जाता है किसमें, गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, और हिंदी देवनागरी में। तो देखिए, इन्होंने गुरुमुखी लिपि को जन्म दिया था। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया था। तो देखा जाए तो लंगर का जो शुरुआत करते हैं प्रथम गुरु, गुरु नानक देव द्वारा ये शुरुआत किया जाता है, लेकिन कंपल्सरी जो कर दिया जाता है, अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है लंगर व्यवस्था को, कौन, गुरु अंगद देव, गुरु के जो दूसरे गुरु है, सिख धर्म के जो दूसरे गुरु है, उनके द्वारा ये लंगर व्यवस्था को क्या अनिवार्य कर दिया जाता है गुरु अंगद के द्वारा।
इन्होंने गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा है। याद रखिएगा, गुरु नानक के जीवनी को किन्होंने लिखा है? तो गुरु अंगद, सिख के दूसरे गुरु, गुरु अंगद ने क्या लिखे हैं? गुरु नानक के जीवनी को लिखे हैं, बायोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें गुरु अमरदास, जो सिख धर्म के तीसरे गुरु हैं। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1575, यह गुरु अंगद के प्रिय शिष्य थे। यह भी क्या थे? गुरु अंगद के प्रिय शिष्य थे। इनके समय में सिख धार्मिक साम्राज्य का विस्तार हो गया। इनके समय में क्या होता, जो सिख का जो धार्मिक साम्राज्य का क्या होता, वो विस्तार हो गया था, और इसलिए इसको 22 विभागों में विभाजित करके एक एक प्रधान की नियुक्ति कर दिया गया। इन्होंने सती प्रथा और मदिरा पीने की प्रथा को विरोध किया था। तो सती प्रथा और जो मदिरा पीने की जो व्यवस्था है, देखा जाए जो चल रहा था प्रथा, उसको विरोध किया था। किन्होंने? तो सिख गुरु के जो तीसरे गुरु है, गुरु कौन है? गुरु अमरदास, तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास। इन्होंने क्या कर दिया, उसका विरोध किया था। हिंदू विवाह पद्धति से अलग हटकर सिखों के लिए एक नई विवाह पद्धति लागू किया, जिसे क्या कहा जाता है? लवन पद्धति कहा जाता है। एक हिंदू धर्म से हटके, एक हिंदू विवाह पद्धति से हटके, एक सिखों के लिए एक अलग विवाह पद्धति शुरू किया, जिसे क्या कहा गया? लवन पद्धति कहा गया। किनके द्वारा शुरू किया गया? ये सिख धर्म के जो तीसरे गुरु है, गुरु अमरदास के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने गोविंदवाल नामक स्थान पर एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया। इनके द्वारा जो गोविंदवाल नामक स्थान पर एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया गया, जो आगे चल के काफी विश्व विख्यात भी हुआ है। अकबर ने इनकी पुत्री, तो देखिए अकबर ने इनकी पुत्री बीबी भानी को कर मुक्त जमीन, मतलब टैक्स फ्री जमीन उपलब्ध कराया, और पंजाब का एक साल का कर भी माफ कर दिया। जो पंजाब से टैक्स लिया करता था अकबर ने, वहां क्या कर दिया, एक तो जमीन मुक्त कर दिया कर से, साथ में क्या एक साल के लिए उसे क्या कर माफ भी कर दिया था पंजाब को। और गुरु अमरदास के दामाद चौथे, और गुरु अमरदास के जो दामाद थे चौथे गुरु के रूप में नियुक्त हुए। तो गुरु अमरदास जो तीसरे गुरु है सिख धर्म के, तो उसके दामाद, मतलब उनके जो दामाद बनते हैं रामदास, जो चौथे बनेंगे क्या गुरु बनेंगे। इनका जो समय होगा 1575 से लेकर 1581 के बीच होगा। गुरु रामदास सिख के चौथे गुरु होंगे। चलिए थोड़ा इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए इनके बारे में क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए इनके समय से गुरु का पद वंशा उन्नत हो गया। तो याद रखिएगा, तो सिख धर्म के जो चौथे गुरु है रामदास, तो इनके समय से क्या हो जाता है, तो इनके समय शुरू हो जाता है क्या, जो गुरु का पद है वो वंशा उन्नत हो जाता है। इन्होंने 1577 में अमृतसर की स्थापना किया था, और 1577 में क्या किया गया था, अमृतसर की स्थापना किया गया था। और रामदास ने अकबर के द्वारा प्राप्त 500 बीघा जमीन पर चक गुरु या रामदासपुर नामक नए नगर का निर्माण कराया, जो अमृतसर के नाम से विख्यात हुआ था। तो अकबर के द्वारा जो प्राप्त हुआ था 500 बीघा जमीन, उस पर क्या रामदासपुर नामक एक नया नगर का निर्माण कराया था रामदास ने, गुरु रामदास ने, और जो अमृतसर के नाम से विख्यात हुआ था, यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गुरु रामदास ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। तो जो स्वर्ण मंदिर है, जो निर्माण और जो प्रारंभ किए थे, ये गुरु रामदास के द्वारा, चौथे गुरु के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसको जो कंप्लीट करेंगे वो पांचवें गुरु आएंगे, गुरु अर्जुन देव, इसे कंप्लीट करेंगे, स्वर्ण मंदिर को कंप्लीट निर्माण करेंगे। तो देखिए जो शुरुआत किया गया था अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य, गुरु रामदास के द्वारा, लेकिन ये पूरा किया जाता है गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। चलिए आगे देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे पांचवें गुरु, ये सिख धर्म के पांचवें गुरु हैं। 1581 से लेकर 1606 तक इनका समय रहेगा। ये सिख के पांचवें गुरु थे और अब तक के सबसे लोकप्रिय गुरु थे। अब तक ये काफी फेमस भी हो गए थे सबसे ज्यादा देखा जाए तो। इनके समय में सिख आंदोलन बहुत अधिक विस्तारित रूप ग्रहण कर चुका था। इनके समय आते आते सिख जो आंदोलन है काफी अधिक विस्तार ले चुका था। इनके समय में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो शुरू करते हैं चौथे गुरु रामदास ने, और कंप्लीट कर लिया कौन,
तो कंप्लीट करते हैं। गुरु पांचवे गुरु, गुरु अर्जुन देव, इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ, इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किया था। थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखिए इन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ की रचना किया था, कौन किए थे, तो ये पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये किया गया था। और आदि ग्रंथ में प्रारंभ के पांच सिख गुरु, तो आदि क्या देखा जाए तो जो आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ में प्रारंभ के पांच सिख गुरु, पांच सिख गुरु कौन कौन से हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे, गुरु अंगद हो जाएंगे, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और पांचवें हो जाएंगे गुरु अर्जुन देव। 18 हिंदू संत और कबीरदास, रविदास, नामदेव के साथ बाबा फरीद के उपदेशों को भी शामिल किया था, किसमें, तो गुरु ग्रंथ साहिब में। कितना एकदम शानदार होगा, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट गुरु थे, जिनका महत्वपूर्ण बात था, उनके द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया गया था अपने अपने शिष्यों के लोक कल्याण के लिए, उसमें से जो आदि ग्रंथ है उसमें सभी को समाहित किया गया। देखा जाता है हर एक का जो अच्छा अच्छा चीज था उसको उसमें शामिल किया गया, किसमें, आदि ग्रंथ में, गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने मनसद मसनद मसद मसनद प्रथा प्रथा गुरु अर्जुन देव ने मसनद प्रथा को प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत सिख लोग अपनी आय का, अपने इनकम का 10% गुरु के पास जमा करते थे। तो मसनद प्रथा में क्या होता था, तो जो सिख लोग हैं वो क्या करते थे, वो अपने टोटल इनकम के 10% किसे दिया करते थे, तो अपने गुरु के पास वो जमा करते थे। कौन सा प्रथा, मसनद प्रथा, जो गुरु अर्जुन देव के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने स्वर्ण मंदिर परिसर में हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हरमिंदर साहिब का जो निर्माण किन्होंने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने, पांचवें गुरु निर्माण करते हैं। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करते हुए स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। जहांगीर का पुत्र था खुसरो, उन्हें क्या कि अपने आप को क्या मुगल बादशाह घोषित कर दिया, और जिसके विरोध में क्या उभा के उसको देखा जाए तो उस पर कर अभियान चलाएगा जहांगीर, और उभा के कहाँ चला जाएगा, गुरु अर्जुन देव के पास चला जाएगा। अब किसी के पास जब शरण में जाएगा तो भाई उसका संरक्षण तो करेगा ही करेगा, तो देखिए वो संरक्षण दे देता है, शरण में चला गया, जिससे क्या होगा, देखिए उसके बाद क्या होगा, जहांगीर ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर, इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने पर गुरु अर्जुन देव के हत्या करा दिया था। तो जो पश्चिमी गुरु है गुरु अर्जुन देव, उसके हत्या कौन कर देता है, करवा देता है, गुरु जहांगीर कर देता, किसे, अर्जुन देव। क्यों, क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया। आगे देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट गुरु है, छठे गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह। तो देखिए गुरु हरगोविंद 1606 से लेकर 1645, या गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे, जो यह गुरु हैं ये अर्जुन देव के पुत्र थे। इसके समय में सिख आंदोलन का स्वरूप धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गया, क्योंकि पिता की हत्या करने से मुगलों के साथ संघर्ष शुरू हुआ था। क्योंकि इसके जो पिता है, इनके जो पिता है, इसकी हत्या कर देता कौन, जहांगीर, मुगल के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। अब ऑब्वियसली जो हत्या हो जाएगा तो ये आंदोलन तो शुरू होगा ही होगा, मुगल और आंदोलन इसके बीच में, किसके, सिख के बीच में। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि पिता की हत्या करने से मुगलों के साथ संघर्ष शुरू हुआ। इन्होंने स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त या प्रभु का सिंहासन की स्थापना किया था। तो क्या है अकाल तख्त, या उसका मतलब क्या होता, प्रभु का सिंहासन, प्रभु का सिंहासन स्थापना करते हैं कौन, गुरु हरगोविंद, छठे गुरु जो होते हैं सिख धर्म के। इन्होंने स्वर्ण मंदिर में अकाल तख्त या प्रभु का सिंहासन का स्थापना करते हैं। मुगलों के साथ संघर्ष करने के लिए सिखों को, मुगलों के साथ संघर्ष करने के लिए सिखों को पहली बार लड़ाकू बनाने का प्रयास इनके द्वारा शुरू किया गया था। किनके द्वारा, गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह
इन्होंने किन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह ने स्वयं को क्या कहा, सच्चा बासा घोषित किया और अपने अनुयायियों को मांस खाने का भी आदेश जारी कर दिया। इन्होंने बाज और शस्त्र तथा छत्र को देखे होंगे, जो सिख का प्रतीक चिन्ह ऐसे रहता, दो तरवार रहता, इसके बीच एक साइन बना हुआ था, तो शस्त्र तथा छत्र को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया और अमृतसर की घेराबंदी कराकर स्वयं को शासक के रूप में परिवर्तन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है गुरु, सातवें गुरु है गुरु हर राय, जो सिख धर्म के जो सातवें गुरु हैं गुरु हर राय, 1645 लेकर 1661 के बीच इनका समय रहा है। औरंगजेब ने इनको दिल्ली दरबार बुलाया, किसे औरंगजेब ने बुलाया था, तो गुरु हर राय को बुलाया। इन्होंने अपने बड़े पुत्र राम राय को भेज दिया और राम राय ने झूठ का सहारा लेकर धार्मिक मामलों में औरंगजेब को संतुष्ट कर दिया। परिणाम स्वरूप गुरु हर राय ने राम राय के बदले, जो गुरु हर राय है, राम राय के बदले अपने छोटे पुत्र हर किशन को अपना उत्तराधिकारी क्या करता है, नियुक्त कर देते हैं। तो जो गुरु हर राय है, औरंगजेब के दिल्ली दरबार में बुलाया जाता है और इन्होंने अपने बड़े पुत्र किसे राम राय को भेजता, राम राय क्या करता, झूठ फूस करके उसको खुश कर देता औरंगजेब को, तो उसको पता चल जाता है इसके वजह से क्या करता है, जो उसके छोटे पुत्र होते हैं, क्या नाम है उनका, तो देखिए उनका नाम छोटे पुत्र पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता। जो जो नेक्स्ट गुरु बनेंगे, जो आठवें गुरु बनेंगे सिख धर्म के आठवें गुरु, गुरु हरकिशन 1661 से लेकर 1664 के बीच में इनको दिल्ली दरबार में बुलाया गया। दिल्ली पहुंचने पर चेचक हो जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो सिख धर्म के आठवें गुरु है गुरु हरकिशन, इनका मृत्यु दिल्ली दरबार जाते हैं, वहां पर उनका चेचक हो जाता है उनका उनको, और फिर इनका मृत्यु हो जाता है कहां, दिल्ली। तब गुरु हर गोविंद के पुत्र, फिर गुरु हर गोविंद के पुत्र बनेंगे तेग बहादुर गुरु बनेंगे, तो तेग बहादुर बनेंगे सिख धर्म के नौवे गुरु। चलिए हरकिशन, गुरु हर किशन के बाद कौन बनेंगे, गुरु तेग बहादुर, जो नौवे गुरु हैं सिख धर्म के। 1665 से लेकर 1775 इनका शासन रहा, देखो शासन मतलब उनका जो भी समय रहा, और इनके बचपन का नाम था त्यागमल। तो तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर का क्या नाम था बचपन का, त्यागमल। इनको बाकला बाबा भी कहा गया, इनको बाकला बाबा भी कहा गया, किनको कहा गया बाकला बाबा, गुरु तेग बहादुर को बाकला बाबा भी कहा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने भारतवर्ष में घूमकर अपने अनुयायियों को, जो उनके जो शिष्य थे अनुयायियों को, संख्या को बढ़ाने का कार्य शुरू किया। कश्मीर के सूबेदार के बहकावे में आकर औरंगजेब ने इनकी गिरफ्तार क्या करता है, इनको गिरफ्तार कर लेता है और फिर इस्लाम धर्म जब ये लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं, तो दिल्ली के समीप शीशगंज नामक स्थान पर औरंगजेब ने इसकी हत्या कर देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जो सिख के नौवे गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, तो उसके जो हत्या कर दे करवाया जाता है किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा करवाया जाता है, कहां, दिल्ली के समीप शीशगंज नामक स्थान पर। अब है लास्ट गुरु, सबसे अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह, 1675 से लेकर 1708 के बीच ये गुरु रहे हैं। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हैं। तो गुरु गोविंद सिंह है सिख के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी यही है। कुछ ज्यादा टेढ़ा तो नहीं हो गया, चलिए आगे देखेंगे। इन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया। अब ये क्या करते हैं, जो गुरु गोविंद साहब हैं क्या करते हैं, अब इस सबसे अंतिम गुरु होते 10वें गुरु ये होते, अब कह देते कि अब से है कोई भी गुरु का पद नहीं होगा, उसके स्थान पे क्या कर देते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को अब गुरु मानने के लिए संकल्प जारी कर देते हैं। इन्होंने आनंदपुर को अपना प्रारंभिक कार्यस्थल स्थली बनाया। तो इन्होंने आनंदपुर को अपना प्रारंभिक कार्यस्थली बनाया, किन्होंने, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666, इनका जन्म कब होता है, 1666 में कहाँ होता है, पटना साहिब में, पटना सिटी में होता है। इनकी माँ का नाम गुजरी बाई था, तो गुरु गोविंद सिंह का जो नाम, उनकी माँ का नाम क्या था, तो इनकी माँ का नाम था गुजरी बाई। इनका 9 साल तक का बचपन पटना साहिब में ही व्यतीत हुआ और पिता की हत्या के बाद
अंतिम गुरु के रूप में स्थापित हुए। कौन? गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पाहुल प्रणाली, तो गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की प्रथा को जन्म दिया। तो पाहुल में क्या होता है, कोई एक पद्धति के अनुसार कोई जल वगैरह हो गया, एक तरह देखा जाता है उसको अमृत के रूप में माना जाता है, उसको पिया जाता है, वही पाहुल पद्धति वगैरह होता है उसमें। तो देखिए, इन्होंने पाहुल प्रणाली की प्रथा को जन्म दिया था। इन्होंने 13 अप्रैल 1699, हम डेट के साथ दिया गया है, 13 अप्रैल 1699 में वैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना किया था। तो खालसा की स्थापना कब किया गया था? वैसाखी के दिन 1699 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये गुरु गोविंद साहब के द्वारा ये किया जाता है स्थापना। चलिए, इन्होंने सिखों को पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से सैन्य व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। किन्होंने? गुरु गोविंद साहब ने। वाहे गुरु बोलकर अभिवादन करने की प्रथा इन्होंने शुरू किया, तो वाहे गुरु ग्रीट करना, वाहे गुरु इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। इनको संत सिपाही भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है संत सिपाही? गुरु गोविंद सिंह को संत सिपाही भी कहा जाता है। तो चलिए, रिवीजन क्लास में आप लोग को मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये क्या शॉर्ट शॉर्ट काफी हम लोग देख रहे हैं, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए। और लास्ट मोमेंट में कोई भी एग्जाम आपको जब नजदीक रहता है, लगभग 1 महीना करीब होता, तो इस टाइप का वीडियो काफी उस समय फायदेमंद होता है। चलिए, अगर आप लोग नए चैनल पर, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फटाफट शेयर भी कीजिए, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो आगे और भी एक से एक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ मुगलों का संघर्ष सबसे अधिक हुआ, परिणाम स्वरूप 2 मुख्य युद्ध किया गया। तो कौन सा युद्ध किया गया? देखिए, आनंदपुर का प्रथम युद्ध, तो आनंदपुर का जो प्रथम युद्ध कब होता है? 1701 में हुआ है। इस युद्ध में मुगल सेनापति पराजित हो गई और गुरु गोविंद सिंह की सेना विजयी हुआ है। और दूसरा जो युद्ध होता है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1703 में होता है। इस युद्ध में मुगल विजय हुए, इसमें कौन जीत जाता है? मुगल जीत जाता है। और औरंगजेब ने इनके दो पुत्र, औरंगजेब क्या करता है, इनके जो दो पुत्र हैं जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, दोनों को जीवित ही दीवार में दफन करा दिया जाता, दीवार में क्या खुदवा दिया जाता है। तो गुरु गोविंद साहब के दो पुत्र हैं जोरावर सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, दोनों को क्या औरंगजेब द्वारा जिंदा दफना दिया, क्या दीवार से क्या ये कुतवा दिया जाता है। और इसी के देखा जाए तो इनको सम्मान देने के लिए 2022 में 9 जनवरी याद रखिएगा, डेट करेंट से रिलेटेड हो जाएगा, 9 जनवरी 2022 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया। कब किया गया है? तो वीर बाल दिवस मनाया जाएगा 26 दिसंबर प्रत्येक साल को, ये कब से? 2022 से ये घोषणा हुआ है। तो 26 दिसंबर 2022 से वीर बाल दिवस जो मनाया जाता है, किनके लिए मनाया जाता है? ये बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दोनों को शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस युद्ध में पराजय के बाद, इस युद्ध में हार के बाद क्या पराजय हो जाता है? पराजय के बाद गुरु गोविंद सिंह को आनंदपुर के साथ साथ अंबाला के समीप लोहगढ़ को दुर्ग को भी छोड़ना पड़ा, जिनका निर्माण इन्होंने स्वयं कराया था। तो जो लोहगढ़ है, अंबाला, ये वगैरह, ये जो करवाए थे गुरु गोविंद सिंह ने, यहां इसका निर्माण करवाए थे। और गुरु गोविंद सिंह के नाम के साथ पांच काकार जुड़ा हुआ, फाइव के जुड़ा हुआ कौन कौन सा? देखिए, केस, कंगा, कंगी, कच्छा और दूसरा है करा और किरपान। केस है केस रखना, कंगा रखना कंगी रखना, कच्छा पहनना और देखिए और करा और किरपान धारण, ये गुरु गोविंद सिंह के साथ पांच काका जुड़ा हुआ है। तो किन्होंने शुरुआत किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने इनका शुरुआत किया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दसवां बादशाह विचित्र
विचित्र चित्र और दशम ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गुरु गोविंद साहब के द्वारा जो रचा गया, लिखा गया दसवां बादशाह विचित्र चित्त। विचित्र चित्त, चित्त मतलब क्या होता है? हृदय, मन। देखिए, दसवां ग्रंथ नामक पुस्तक की रचना किया था। इन्होंने अपने अंतिम समय में औरंगजेब को जो पत्र लिखा उसे क्या कहा गया? उसे जफरनामा कहा गया। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, औरंगजेब को पत्र लिखते हैं इन्होंने अंतिम समय में, जिसे जफरनामा कहा गया। और इन्होंने नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ना की प्रथा को भी शुरू किया था, जिसे गुरु गोविंद सिंह। तो कोई भी सिख धर्म में जो नाम के आगे क्या लगाना, सिख सिंह लगाना, सिख धर्म में इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। और अरे महिला है तो कौर, जिसे हरमनप्रीत कौर देखेंगे, जो ये कौर जो लगता है ये इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो पुरुषों के लिए सिंह लगाना, सिंह, और महिला के लिए कौर लगाना, इन्हीं ने शुरू किया था। महाराष्ट्र के नांदेड़ के हजूर साहिब में गुलखा नामक पठान ने 1708 ईस्वी में इनकी हत्या कर दिया। देखिए, महाराष्ट्र के नांदेड़ के हजूर साहिब में गुलखा नामक पठान ने 1708 में गुरु गोविंद साहब की हत्या कर देते हैं। और देखिए, इनके प्रिय शिष्य बंदा बहादुर ने सिख आंदोलन का नेतृत्व किया। तब इसके बाद क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने इनको आगे बढ़ाया सिख आंदोलन को। चलिए थोड़ा देखते हैं बंदा बहादुर के बारे में। बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद इनके सबसे प्रिय शिष्य बंदा बहादुर ने सिख आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद जो इनका सबसे जो प्रिय शिष्य कौन होते हैं, बंदा बहादुर, अब यही आंदोलन को नेतृत्व करेंगे। इसने लोहगढ़ को अपना राजधानी बनाया था। लोहगढ़ को अपना राजधानी किसने बनाया? यह बंदा बहादुर द्वारा बनाया गया। बार बार आंख में इरिटेशन हो रहा है, पानी आज हो रहा है ना। देखिए, बंदा बहादुर ने सिख आंदोलन का नेतृत्व किया, इसने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण दास था। तो बंदा बहादुर का जो मूल नाम क्या था, लक्ष्मण दास था। और फर्रुखसियार के समय में बंदा बहादुर की हत्या कर दिया गया। तब सिख धर्म दो भाग में विभाजित हुआ, जैसे तत् खालसा। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो सिख धर्म है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक होता है तत् खालसा, जो सिख प्राचीन परंपरा को मानते थे वह तत् खालसा कहलाए, और दूसरा क्या हो जाएगा, बंदई हो जाएगा, जो बंदा बहादुर को क्या होगा, मानेगा। तो तत् खालसा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, बंदई हो जाएगा, जो बंदा बहादुर के अनुयायी थे उनको बंदई कहा गया। बंदा बहादुर के नेतृत्व में, बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद सिख आंदोलन कुछ समय के लिए स्थिर हो गया, कुछ समय के लिए रुक जाता है उस समय, क्योंकि सिखों ने अपना अपना मिसल स्थापित कर लिया। अब ये मिसल क्या होता है, देखिए, मिसल मतलब होता है एक अरबी शब्द है, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक समान या एक जैसा होता है, एक समान या एक जैसा। और सरल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाता है, राज को ही मिसल कहा जाता। तो मिसल बहुत सारा मिसल बन जाता, कितना, टोटल 12 मिसल बनेंगे, जिसकी संख्या इस समय कितना था, तो 12 था। और इसमें सबसे जो शक्तिशाली था कौन सा मिसल था, वो था सुकर चकिया मिसल था, वो सबसे शक्तिशाली ये मिसल था 12 मिसलों में से, जहां से आएंगे रंजीत सिंह, और जिसकी स्थापना रंजीत सिंह के दादाजी चरण सिंह ने किया था। तो सुकर चकिया मिसल का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, तो रंजीत सिंह के जो दादाजी होते हैं चरण सिंह, उनके द्वारा ये किया गया था। अब हम लोग देखेंगे रंजीत सिंह के बारे में। चलिए देखते हैं, रंजीत सिंह 1780 से लेकर 1839 तक इनका समय रहेगा। रंजीत सिंह ने सिख आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इनका जन्म 1780 में हुआ था और इनके पिता का नाम था महा सिंह और मां का नाम राज कौर था।
तो रणजीत सिंह का जो जन्म होता है कब, 1780 में हुआ है, और इनके जो पिता का नाम है महासिंह और माता का नाम, मां का नाम क्या है, राज कौर था। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे और 1798, देखिए 1798 में पिता की मृत्यु के बाद सुकर चकिया के प्रधान बने। सुकर चकिया के, ये सुकर चकिया जो मिसल था उसका ये प्रधान नियुक्त होते हैं, बनते हैं। इसी समय अहमद शाह अब्दाली, इसी समय अहमद शाह अब्दाली का पौत्र, पोता जामान शाह ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, और वापसी के क्रम में, वापस जाने के क्रम में उसकी जो क्या होता है, कुछ तो वगैरह नदी, चिनाब नदी में गिर जाता है। कौन सा नदी में गिर जाता है, तो चिनाब नदी में गिर जाता है, जिसे रणजीत सिंह ने काफी अच्छा से निकाल कर सुरक्षित उसको पहुंचा देता है जामान शाह के पास, जिसे खुश होकर कौन, जामान शाह उसको लाहौर का क्षेत्र प्रदान कर देता, किसे, रणजीत सिंह को। चलिए, इन्होंने लाहौर को अपनी राजनीतिक राजधानी तथा अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी बनाया, इन्होंने, रणजीत सिंह ने। तो जो इनका जो राजनीतिक जो राजधानी था वो कहां था, ये लाहौर था, और जो धार्मिक राजनीतिक था वो कहां था, ये अमृतसर था। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसी विशेषक, इन्होंने क्या था, अपने सेना को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसी विशेषक जो एक्सपर्ट था फ्रांस का, उसे सहायता लिया, जैसे कोट और गार्डनर के सहयोग से इन्होंने क्या, तोपखाने का पुनर्गठन किया था। किसका सहयोग से, तो फ्रांस के जो थे कोट और गार्डनर, इसके सहयोग से तोपखाने का पुनर्गठन किया था, इन्होंने, रणजीत सिंह ने। आगे देखेंगे, रणजीत सिंह ने लाहौर में तो बनाने की फैक्ट्री को स्थापित किया था। इनके पैदल सैनिक को फौज ए आइन कहा गया, तो इनके जो पैदल सैनिक है उसे क्या कहा गया, जो पैदल सैनिक था उसे कहा गया क्या, फौज ए आइन, रेडी सही लग रहा था, चलिए इसे क्या कहा गया था, फौज ए आइन कहा गया, और इसको मजबूत बनाने के लिए फ्रांसीसी विशेषज्ञ एलार्क और वेंचुरा का सहयोग लिया गया था। तो जो पैदल सैनिक के लिए, देखिए पैदल सैनिक के लिए किसका सहयोग लिया था, फ्रांस के एलार्क और वेंचुरा का सहयोग लिया था, और रणजीत सिंह ने लाहौर में एक उच्च न्यायालय को भी स्थापित किया था, जिसको अदालत उल आला कहा गया। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, यह क्या थे, एक धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेकुलर, देखा जाए तो सेकुलर राजा थे। इन्होंने खालसा के नाम पर शासन किया, और गुरु नानक देव तथा गुरु गोविंद सिंह के नाम का सिक्का भी क्या जारी किया, और बासा की उपाधि भी धारण किया। कौन ये करते हैं, रणजीत सिंह। जब क्षेत्र का विस्तार हुआ तब इन्होंने सिख साम्राज्य को चार प्रांतों में क्या कर देते, विभाजित कर देता। कौन कौन सा प्रांत है, तो देखिए लाहौर हो गया, पेशावर हो गया, मुल्तान हो गया, और कश्मीर हो गया, चार प्रांत रणजीत सिंह का था। अब देखिए, फ्रांसीसी जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री है जैक यूमा, क्या नाम है, जैक यूमा ने रणजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा। तो जो फ्रांसीसी प्रसिद्ध यात्री हैं जैक यूमा, इन्होंने रणजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा है, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रणजीत सिंह के दरबार में सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति दीवान दीनानाथ और फकीर अजीजुद्दीन थे। तो सबसे जो विश्वासी आदमी कौन थे उनके दरबार में, रणजीत सिंह के, एक दीवान दीनानाथ और फकीर अजीजुद्दीन थे। जब इनके क्षेत्र का और ज्यादा विस्तार हुआ तब अंग्रेजों ने 1809 में एक संधि किया, क्योंकि उस समय तो अंग्रेज भी तो था यहाँ पे, तो देखिए तो अंग्रेज के साथ जो संधि करता है, अमृतसर की संधि 1809 में, यह संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच हुआ, और मेडकॉफ को क्या कहा जाता है, भारत के प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है मेडकॉफ को।
तो यह संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉप के बीच हुआ। संधि शर्त के अनुसार अंग्रेज और इसके राज्य कि सीमा सतलज नदी को मान लिया गया। संधि शर्त के अनुसार क्या होता है 1809 में, सतलज नदी को सीमा मानकर उसको मान लिया जाता है। सतलज नदी के इधर वाले हो गया भाई रंजीत सिंह का, इधर वाले हो गया अंग्रेज का। इसका उद्देश्य रंजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार पर अंकुश लगाना था। किसका? अंग्रेज का। जो उद्देश्य था रंजीत सिंह का, जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था उसे कैसे रोका जाए, यह उद्देश्य था। रंजीत सिंह अंग्रेज और शाह सूजा मतलब त्रिदलिया 1838-39 में त्रिदलिया संधि हुआ। किसके किसके बीच होता है त्रिदलिया संधि? तो देखिए रंजीत सिंह अंग्रेज और शाह सूजा के बीच। संधि शर्त का एकमात्र उद्देश्य था रूस की बढ़ती शक्ति को रोक देना, और इस संधि के द्वारा शाह सूजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया और 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। तब इसके पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर आए। तो देखिए क्या होता, रंजीत सिंह और क्या अंग्रेज के बीच और शाह सूजा तीनों के बीच एक त्रिदलीय संधि होता है, और इसका क्या देखा जाए, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था उस समय, क्या रूस का जो था क्या विस्तार हो रहा था, काफी शक्ति बढ़ रहा था, उसी को रोकने के लिए किया गया था यह संधि। और इस संधि के द्वारा क्या होता है, शाह सूजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया और 1839 में क्या हो जाता है, रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तब इनके पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर आए, लेकिन गद्दी के लिए नवनिहाल सिंह और शेर सिंह आपस में उलझ गए। शेर सिंह भागकर अंग्रेजों की शरण में चला गया और परिणाम स्वरूप दो युद्ध हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, दो युद्ध होगा, जैसे जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होगा, कब होगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। इस युद्ध में सिख पराजित हुए और 1846 में लाहौर की संधि हुआ। तो 1846 में लाहौर की संधि होता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के लिए। संधि शर्त के अनुसार रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह को महाराज बनाया गया और उसकी माँ और उसकी जो माँ है बीबी साहिबा या जिंदा को संरक्षिका अर्थात बॉडीगार्ड बना दिया गया, संरक्षिका बना दिया गया। और 1846 में भी और 1846 में ही भैरोबाल की संधि, फिर एक और संधि हो जाएगा, कब 1846 में, एक तो 1846 में लाहौर की संधि के द्वारा क्या हो जाएगा, प्रथम आंग्ल सिख समाप्त हो जाएगा, फिर 1846 में एक हो जाएगा भैरोबाल की संधि और किया गया। और संधि शर्त के अनुसार दिलीप सिंह से उसकी माँ को अलग करके शेखपुरा भेज दिया गया। जो नेक्स्ट हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, कब होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, यह होता है 1848 से 1849 चलता है। और इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था, मुल्तान में मूलदास के द्वारा जो किया गया विद्रोह था उसे दबाना। और अलेक्जेंडर गफ ने चिलियावाला एक युद्ध है का नेतृत्व किया था, लेकिन चार्ल्स नेपियर ने अंतिम रूप से चिनाब नदी के किनारे पराजित कर देता किसे, सिख को। फिर क्या होता है, जैसे युद्ध हार जाता है सिख, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लेता है, मिला लेता है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और दिलीप सिंह और उसकी माँ को ब्रिटेन भेज दिया और इन्हीं के साथ क्या होता है, इन्हीं लोगों के साथ कोहिनूर हीरा भी ब्रिटेन चला गया और महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया कि क्या किसे, ये जो कोहिनूर का हीरा है। और यह आंदोलन 1849 में समाप्त हो जाता है। चलिए तो हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देखे तो जो सिखों के 10 गुरु हैं उनके बारे में देखें, फिर देखें हम लोग रंजीत सिंह के बारे में, दिलीप सिंह के बारे में, फिर जो सिख आंदोलन हुआ था तो उसके बारे में हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर, इसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
गुरु नानक देव के बारे में सही है, तो गुरु नानक देव के बारे में इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, यह सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे, बिल्कुल सही बात है। इनका जन्म तलवंडी जो वर्तमान में नानकाना साहिब में हुआ था, और इन्होंने संगत और पंगत प्रथा का आरंभ किया था, तो इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा। गुरु अंगद का मूल नाम, तो गुरु अंगद का मूल नाम क्या था? तो सिख धर्म के जो दूसरे गुरु हैं उनका जो नाम था, मूल नाम क्या था? लहना सिंह था उनका नाम, किनका? गुरु अंगद का। और किनके समय गुरु का पद वंशागुणत हो गया था? तो किनके समय में ये इसकी जो पद है गुरु का जो वंशागुणत हो जाता है, ये हो जाता है गुरु रामदास के समय में हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक मिनट, चौथा गुरु गुरु अमरदास, चौथा गुरु 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 नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, तो तीसरे गुरु। हाँ, सिक्वेंस याद रखिएगा। गुरु अमरदास के समय में क्या हो जाता है? गुरु अमरदास के समय में आते आते वंश क्या हो जाता है? वंशागुणत हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किसने किया था? अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किसने किया था? तो आप लोग जानते होंगे अकाल तख्त जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा? ये गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, जो पांचवें गुरु थे। और गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? इसका जो पांचवा जो आंसर क्या कहते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है? गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, बनाया गया था? ये किया गया था गुरु नानक देव के द्वारा। तो गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा किया गया है ये भी याद रखिएगा। गुरुमुखी क्या हो जाएगा? एक मिनट, गुरुमुखी लिपि, हाँ गुरुमुखी के जनक बोल रहे हैं, तो गुरु मुखी के जो जनक कौन है? गलत आंसर तो नहीं बता दिए? एक मिनट, चलिए एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते। क्या था? लाना सिंह हम लोग देख लिए थे। चार का क्या बताए थे? चार का ऑप्शन गुरु हरगोविंद तक, हाँ इसका जो हरगोविंद, मुझे लग ही रहा था गलत हो गया। इसका जो सही हो जाएगा, देखिए गुरु हरगोविंद, अकाल तख्त की जो स्थापना किया गया था गुरु हरगोविंद के द्वारा। थर्ड क्या था? किसने किसके समय में गुरु का वंश वंशागुणत हो गया था? तो वंशागुणत किसके समय हो जाता है? देखिए तो वंशागुणत जो हो जाता है किसके समय? गुरु रामदास के समय ही होता है। बिल्कुल सही है कि फर्स्ट में दिमाग तो यही आता, गुरु रामदास के समय में हो जाता, जो चौथे गुरु होते, चौथे गुरु के समय में जो गुरु का पद है वो वंशागुणत हो जाता है। और अकाल तख्त की स्थापना गुरु किसके द्वारा किया जाता है? गुरु हरगोविंद के द्वारा किया जाता है। चलिए पांचवा देखेंगे, गुरुमुखी लिपि के जनक, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? तो गुरु लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद है। गुरुमुखी जिसमें जो पंजाबी भाषा लिखा जाता है किस लिपि में लिखा जाता है? गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, गुरु अंगद के देव के द्वारा ये शुरू किया गया, जो गुरु सिख धर्म के जो दूसरे गुरु है। चलिए कुछ गलती हो जाता है आप लोग उसका टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है कैमरा पे बोलना, ऐसे बोलना थोड़ा इसका एक अलग होता है प्रेशर होता है, फिर धीरे धीरे वो सही हो जाएगा जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा लेते बनाते रहेंगे वीडियो वगैरह। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखेंगे, क्वेश्चन नंबर छठा। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या कर दिया था? तो औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाया है गुरु तेग बहादुर का, जो नौवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या करवा देता कौन? औरंगजेब करवा देता है। और किसने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी में किया था? बैसाखी के दिन किया गया था, 13 अप्रैल 1699 में किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखा? तो गुरु नानक देव की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है?
ये लिखा गया गुरु अंगद के द्वारा लिखा गया। तो गुरु नानक देव जो प्रथम गुरु हैं सिख धर्म के, उनका जो बायोग्राफी है लिखा गया गुरु अंगद के द्वारा लिखा गया। किसने स्वयं को सच्चा बादशाह, किसने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया है? तो किसने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया है? तो गुरु हरगोविंद ने किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किस गुरु ने लवण विवाह पद्धति को प्रारंभ किया? तो लवण विवाह पद्धति हिंदू विवाह पद्धति से हटकर एक सिख का एक अलग विवाह पद्धति जो बनाया गया था, किनके द्वारा ये लवण पद्धति विवाह बनाया गया था? ये बनाया गया था गुरु अमरदास के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने किया था? तो 1577 में जो अमृतसर की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है गुरु रामदास के द्वारा किया जाता है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ भी कहा जाता है, इसकी रचना किसने किया? तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया आदि ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसमें क्या है, इसमें देखें गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया गया था, जिसमें सिखों के जो प्रथम पांच गुरु उसके जो ज्ञान उपदेश जो उनका शिक्षा था उनको उसमें ऐड किया गया, प्लस 18 हिंदू जो संत थे उनका, संत कबीरदास रविदास और ये नामदेव का भी इनमें जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस गुरु की दिल्ली पहुंचने पर चेचक नामक बीमारी से मृत्यु हो गया? तो कौन से गुरु है जिनका दिल्ली पहुंचने पर क्या हो जाता है, चेचक हो जाता है और उसका मृत्यु भी हो जाता है, ये कौन से गुरु हैं? तो यह गुरु हरकृष्ण, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और त्यागमल किस नाम से, देखा जाए तो त्यागमल किस नाम से गुरु बने थे? और त्यागमल कौन थे? तो त्यागमल थे, त्यागमल किनका नाम था, बचपन का नाम था गुरु तेग बहादुर का, त्यागमल नाम था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? तो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण प्रारंभ करवाया था ये किसने, ये सिख के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास, इनके द्वारा प्रारंभ कराया जाता है, लेकिन जो कंप्लीट किया जाता है गुरु अर्जुन देव के द्वारा कंप्लीट कराया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 16, पांच ककार किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पांच ककार, 5K, केश, गंगा, कच्छा, किरपान और एक क्या है, करा, ये किस किन्होंने दिया था? ये दिया था गुरु गोविंद सिंह, जो सिख के 10वें गुरु हैं सिख के धर्म के, इनके द्वारा ये दिया गया था। और अकबर ने किनके 500 बीघा जमीन दिया था? अकबर ने किसको दिया था 500 बीघा जमीन दिया था अकबर ने? तो किसे दिया था अकबर ने? तो ये देता है किसे, गुरु रामदास को, जो सिख धर्म का जो चौथे गुरु है उसे देता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। गुरु अर्जुन देव के बारे में सही, तो इसमें पूछा जा रहा है जो सिख धर्म के पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इसके बारे में कौन सा सही है? तो देखिए पहला है मसनत प्रथा शुरू किया था। तो मसनत प्रथा क्या था, जिसमें सिख जो सिख धर्म के मानने वाले लोग थे उन्हें अपने आय का इनको इनकम का 10% दिया देना अनिवार्य था, दिया जाता था किसे, गुरु को दिया देते थे। और स्वर्ण मंदिर निर्माण पूरा करवाया, हर मंदिर साहिब का निर्माण कराया, कौन, गुरु अर्जुन देव, उपयुक्त में से सभी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा किसने अपने अनुयायियों को मांस खाने का आदेश जारी कर दिया? तो सिख का ऐसा कौन सा गुरु है, मतलब सिख कौन से गुरु हैं सिख धर्म के जिसने अपने अनुयायियों को क्या कर दिया कि भैया आप लोग अब क्या किए, मांस वगैरह खाइए, एक लड़ाकू तैयार किया गया था, मांस मछली खाएगा तो क्या ताकतपूर्ण होगा, लड़ाई करना था उसको ताकि वो शारीरिक रूप से मजबूत होगा तभी तो लड़ाई करेगा। तो ये कौन से गुरु थे, ये गुरु थे गुरु हर गोविंद, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। जहांगीर ने किसकी हत्या कर दिया था? तो जहांगीर द्वारा कर जो हत्या करवाया गया था कौन से गुरु,
गुरु अर्जुन देव की हत्या, जो गुरु सिख है, जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, इनका हत्या किसके द्वारा करवाया गया? तो ये करवाया गया जहांगीर के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बाकला दबा, बाकला दबाबा किसे कहा गया? बाकला दबाबा किसे कहा गया है? तो बाकला बाबा किसे कहा? गुरु तेग बहादुर को बाकला दबाबा कहा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसका क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22। गुरु गोविंद सिंह के बारे में गलत पूछा, इसमें गुरु ग्रंथ सिंह के बारे में कौन सा गलत दिया गया है? जो सिख धर्म के 10वें गुरु है, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ, पटना में हुआ। पाहुल प्रणाली और बाहे गुरु की प्रथा शुरू किया, बिल्कुल सही है। इनके साथ सिंह सब जोड़ने की प्रथा शुरू किया, इन्होंने क्या 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 कहा था? इन्होंने पुरुषों के लिए सिंह सब जोड़ा गया था नाम के साथ में इन्होंने शुरू किया था, और महिलाओं के नाम के पीछे कौर, महिला या स्त्री के नाम के पीछे क्या जोड़ना अनिवार्य कर दिया था? अनिवार्य मतलब शुरू किया गया था प्रथा कौर, किनके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। जिसमें पूछा गया इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं, सभी सही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं दिया गया है। आगे देखेंगे, रणजीत सिंह, रणजीत सिंह किस मिसल मिसल से थे? तो 12 मिसल बना था, बंदा बहादुर जैसे मृत्यु हो जाता है इसके 12 मिसल में विभाजित हो जाता है, देखा जाए तो सिख का 12 मिसल बनता है। उस 12 मिसल में से एक सबसे शक्तिशाली मिसल होता है सुकर चक्या मिक्स, तो उसी से संबंधित कौन होते हैं? गुरु रंजीत, गुरु नहीं, रंजीत सिंह होते हैं महाराजा, और इनके दादा इसके स्थापना करता सुकर चक्या मिसल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकर चक्या मिसल। आगे देखेंगे, रंजीत सिंह की राज, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी तो धार्मिक राजधानी, तो इसका जो राजनीतिक जो राजधानी कहाँ था? ये लाहौर था, और जो धार्मिक राज जो था आपका राजधानी ये कहाँ था? ये अमृतसर था। किसका? रंजीत सिंह का। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा था? तो भारत का जो लघु नेपोलियन किसे किसने कहा था? एक फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम क्या था, प्रसिद्ध यात्री था ये, जैक यूमा। क्या नाम था? जैक यूमा। इसने क्या कहा था? भारत का लघु नेपोलियन कहा था। किसे कहा था? ये रंजीत सिंह को कहा था। चलिए, अमृतसर के वास्तुकार का नाम क्या था? अमृतसर के वास्तुकार का नाम क्या था? मियां मीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मियां मीर। अमृतसर का वास्तुकार कौन था? मियां मीर था। निम्न में से किसने सिखों को सर्वप्रथम लड़ाकू बनाने का कार्य किया था? तो सिखों का जो सर्वप्रथम जो लड़ाकू बनाने का जो कार्य करता है, कौन करता है? यह करता है गुरु हर गोविंद। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, रंजीत सिंह ने तो बनाने की फैक्ट्री फ्रांसीसियों के सहयोग से स्थापित किया था, तो कहां? तो ये लाहौर में किया था, लाहौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जफरनामा, जफरनामा और 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किया था। तो जफरनामा क्या था? हम लोग ने पढ़ा था अभी, जफरनामा क्या था? तो अंतिम समय में मृत्यु के अंतिम समय, जब उनका मृत्यु होने से पहले गुरु गोविंद साहब की मृत्यु के अंतिम समय में क्या करते हैं? एक पत्र लिखते हैं किसे? औरंगजेब को। उसको जफरनामा कहा गया। और 10वें बादशाह जो नामक रचना किया है, ये किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, जो गुरु गोविंद सिंह का 10 प्रिय शिष्य थे, जिसने बंदा बहादुर ने क्या करता, लोहगढ़ को अपना राजधानी भी बनाता है, तो इसका मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था लक्ष्मण दास। ऑप्शन के नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, रंजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो रंजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच अमृतसर के जो संधि होता है, यह होता है 1809 में होता है। और इसका मकसद क्या रहा था? जैसे विस्तार हो रहा था
सिख का क्या क्षेत्र विस्तार हो तो उसी को रोकना था, अंग्रेज का मेन मकसद इसका। चलिए आगे देखेंगे। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? शाह शुजा ने दिया था, जो तिरदलिया संधि होता है रणजीत सिंह अंग्रेज और शाह शुजा के बीच, उसी समय में ये दिया जाता है। और फिर ये क्या दिलीप सिंह के थ्रू ये कहाँ चला जाता है? ये इंग्लैंड चला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाह शुजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32 का। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा बंद हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त होता है? ये लाहौर के संधि द्वारा समाप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। गुल खान नामक व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में कहां कर दिया था? तो ये कहां कर देता है? तो ये देखिए, दिल्ली के समीप, नहीं नहीं महाराष्ट्र के समीप, कहां? नंदेड़, महाराष्ट्र में नंदेड़ में कौन गुल खां कर देता गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह का स्वागत किया था? तो वह कौन सा गवर्नर था रोपर में जो स्वागत करता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विलियम बेंटिक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। तो देखिए, अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, कब मिलाया था पंजाब को? तो कंप्लीट रूप से ये मिला लेता है पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 में, डलहौजी का जो नीति था उसके तहत। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग ने कंप्लीट कर लिया जो हम लोग देख रहे थे सिख आंदोलन। और चलिए, आप लोग जरूर वीडियो अच्छी लगे जरूर आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सभी का धन्यवाद।